हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नहीं है सेल्फ असेसमेंट स्कीम में रिटर्न फाइल करें, कुछ परसेंटेज बढ़ाएं और टैक्स ऑडिट से मुस्तस्ना हो जाएं। टैक्स ऑडिट में केस सेलेक्ट हो तो कुछ परसेंटेज बढ़ाएं और टैक्स ऑडिट विड्रॉ हो जाए। इसी तरह टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ती रहे, ई फाइलिंग पे लोग दुहाई देते रहें। नॉन फाइलर और नॉन टैक्स पेयर जो हैं वो हुकूमत और FBR को खुला चैलेंज देते रहें। हम अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे ये जान सकें कि इस एडहॉकिज्म की वजह क्या है और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर वकार अहमद ने और कराची में हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी डॉक्टर महविश मुरसलीन साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन हम पहले वकार साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। जी आपसे सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक हम आम आदमी जो है पाकिस्तान का सुनता रहता है कि पाकिस्तान का माशी बदहाली का शिकार है, तो इसकी वजह क्या है, क्या 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 कमी है, क्या क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा है ये? जी मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जी जो टैक्स का निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो हमने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जो टैक्स दे रहा है वो भी इस वक्त एक किस्म का कंप्लेंट कर रहा है, वो भी ग्रीवियंस का शिकार है। जो टैक्स नहीं दे रहा वो हरेसमेंट की कंप्लेंट कर रहा है कि जी मुझे हरेस किया जाता है। तो देने वाला और ना देने वाला दोनों एक किस्म की फंसी हुई सिचुएशन में है। ठीक है, आप ये भी देखते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद अब एक टैक्स का अदारा नहीं रहा, अब मल्टीपल टैक्स के अदारे सूबों ने भी खोल लिए। आपके पास जो स्टॉक ऑफ बिजनेसेस हैं या बिजनेस पर्संस हैं जिनको आप टैक्स कर सकते हैं वो तो उतने ही रहे, लेकिन टैक्स हासिल करने वाले जो अदारे हैं, टैक्स मांगने वाले जो अदारे हैं वो बढ़ गए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर अब डबल टैक्सेशन और मल्टीपल टैक्सेशन का सामना है, जिसकी वजह से आपकी शरह नमू जो है वो भी प्रेशर में आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो उस तरह नहीं हो पाती जिस तरीके से उसको होना चाहिए। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सवाल जो बुनियादी सवाल ये है कि जो आपकी माशी हमारी जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट टैक्स की सूरत में आता है, तो क्या कोई पॉलिसी का फुकदान है, क्या किसी किस्म की सियासी तरजीहात नहीं है इसमें, क्या ऐसा ऐसी वजह है सर? जी देखिए जी आपकी जो इकोनॉमी की जो बैकबोन होते हैं जी वो तो आपकी प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों सेक्टर्स को बहुत अरसे से जो है वो प्रेशर में रहे। आप ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अरसे से डाउनवर्ड एक किस्म के स्पायरल का शिकार रही, एग्रीकल्चर की यील्ड उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी गिरती रही, फार्मर्स की इनपुट्स और इनपुट कॉस्ट्स जो थी वो बढ़ गई थी उस मुल्क में। अब जाहिर है गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड तो किया एक किस्म का किसान पैकेज दे के, लेकिन इस किस्म के पैकेजेस के नतायज जो हैं वो शॉर्ट रन में नहीं नज़र आते क्योंकि ये बड़े स्ट्रक्चरल मामलात हैं जो ओवर द लॉन्ग रन ख़राब हुए हैं। अगर आप इंडस्ट्री को देखें कि इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, तो इंडस्ट्री के अंदर जो मोटे मोटे मसाइल हैं वो सबसे पहले तो एनर्जी का मामला है। आप अगर लोड शेडिंग ख़त्म भी करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी इतने महंगे दामों होती है कि आपका फैक्ट्री वाला जो है वो बाहर कंपीट नहीं कर पाता। गैस और बिजली के निर्ख बहुत ज्यादा होते हैं। फिर एनर्जी से आप आगे इनपुट्स और रॉ मटेरियल की तरफ आते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और वो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत अब बहुत ऊपर चली गई है। आपने मजीद रेगुलेटरी ड्यूटीज भी जो अब लगाई हैं वो बड़ी आर्बिट्ररी अंदाज में लगाई हैं, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी एक किस्म का डाउनफॉल का सामना अभी रिसेंटली करना पड़ा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में कम चल रही हैं, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है इस वक्त। लेकिन तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ये जो पॉलिसीज होती हैं हुकूमतें आती हैं डॉक्टर साहब, हुकूमतें आती हैं हुकूमतें जाती हैं, सियासी तरजीहात नहीं होती और उसकी वजह से देखें ये मुसलसल डाउनफॉल हो रहा है पाकिस्तान। आज से 40 साल 50 साल पहले इकोनॉमिकली जो हालात थे पाकिस्तान के वो बहुत बेहतर थे, ग्रेजुअली ये आप जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन कर रहा है। तो ये कि आप एज अ इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे ये चीज़ बेहतर हो सकती है? देखिए ना जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस गवर्नमेंट के जो मंशूर में इकोनॉमिक
मैनिफेस्टो लिखा हुआ था, गवर्नमेंट उसी को इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक है, आपने तरजीहात की बात की, तो तरजीहात तो इस गवर्नमेंट ने 2013 के जो मंशूर दिया था उसमें अपने इकोनॉमिक चैप्टर में लिखी थी। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि हम उसी को इम्प्लीमेंट कर लें। उनमें बहुत डिले हुआ है और अब जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो पब्लिक पूछेगी इस गवर्नमेंट से कि वो मैनिफेस्टो जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी। उसके बाद आप देखें कि जो बाहर के अदारे आए, IMF का कर्जा रहा, अभी वर्ल्ड बैंक ने, फिर एशियन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, ये अदारे भी उन्हीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उन्हीं तरजीहात की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपके लोकल इकोनॉमिस्ट भी बहुत देर से जो है वो बता रहे हैं। फोकस की कमी नजर आती है, एक चीज। दूसरा, इस वक्त फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है इकोनॉमिक इस्तलाहात पे, रिफॉर्म्स पे, वो बहुत वीक है। आप ये देखें कि अगर कोई रिफॉर्म वफाक इंप्लीमेंट कर रहा है और उसके अंदर सिंध का या बलूचिस्तान का कंसेंसस नहीं है, तो वो बड़ी ही वीक इंप्लीमेंटेशन होती है इस्तलाहात की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिफॉर्म्स हम जब भी देखते हैं तो कोई ना कोई डोनर एजेंसीज ही रिफॉर्म लेके आती है। वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म होता है, IMF का रिफॉर्म होता है, USAID को रिफॉर्म लेके आती है। हुकूमत के रिफॉर्म्स ऐसे नज़र नहीं आते जिससे कोई ड्रास्टिक चेंज या कोई मैसिव चेंज नज़र आए, बट ये जो लोग हैं ये, और इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं कि पाकिस्तान में ये रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि उससे वो यील्ड वापस की सूरत में वापस अपना लोन वापस ले सकें। जी, आपने सही फरमाया जी, और एक शेयर्ड विजन की कमी है इस वक्त इस मुल्क में। हमारे अदारे ने बारहा ये कहा है कि आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें जहां पे सारे सूबे मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज अगले 20 साल के लिए अपने आप को लॉक करें कि हमने इकोनॉमी के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करना है, और ये 4 या 5 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करनी है। पॉलिसीज का तसलसल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई गवर्नमेंट पावर में, कल कोई और गवर्नमेंट पावर में होगी, अगर पॉलिसीज का तसलसल ना रहा तो फिर ये इसी तरीके से हम स्टॉप गो साइकिल का जो है वो शिकार रहेंगे, और इसीलिए हमने बारहा जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है इस मुल्क के अंदर। सही है, लेकिन जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं तो पॉलिसी के लिए वो विजडम, वो अप्रोच होना भी जरूरी है पार्लियामेंटेरियन के, बिकॉज अगर आप पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन तो होती ही नहीं है, तो पॉलिसी कैसे होगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से कहना पड़ रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं होती। हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया वो टाइम कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स के मसाइल थे जिनको बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड एक शिकार रही आपकी एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के मसाइल टोटल अगर आप देखें कि पिछला पूरा साल पार्लियामेंट ने कितना टाइम सर्व किया डिस्कस करने में, तो वो 2 दिन भी नहीं बनते। तो ये आपकी बात सही है कि पार्लियामेंटेरियंस को भी बहुत ज़्यादा जो है एक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पे बहस करने की ज़रूरत है और फ्लोर पे बहस करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद हों। डॉक्टर साहब, हम इस पर बात करेंगे, हम एक ब्रेक लेने वापस आते हैं। ब्रेक के बाद अजीन वापस आके बात करते हैं किस तरह की बहस करनी चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए जो पेश हैं, और जिन हालात में हमें आलमी सतह पर जाना है उसमें ये बदनामी के सिवा कुछ और नहीं कि हमारी मईशत की क्या सूरत हाल है। बाद सियासतदानों की तरफ से ऐसे इकदाम तो मुजरिमाना नौयत के हैं, जो मुल्क से लेते तो बहुत कुछ है मगर बदले में जो देते हैं वो शर्मनाक हद तक नहायत कम है। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर महवेश मुसलीन ने, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इनसे बात करेंगे। पहले हम डॉक्टर वकास से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बहस होती है पार्लियामेंट में और ये जिस तरह का निज़ाम है इसमें तो लगता नहीं कि लेजिस्लेशन होगी और पॉलिसी कोई दूरस्थ पॉलिसी बनेगी, लेकिन आप क्या समझते हैं, कुछ चंद बातें आपके ख्याल में पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या चीज़ें ऐसी इस्लाहात आनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को आगे लेके जा सकती हैं? जी, आपने ये भी बहुत अच्छा पैकेज दिखाया जी। इसमें जाहिर है पहला इशू तो वही है कि आपका जो लॉ है, टैक्स लॉ वफाक की सतह पे और सूबों की सतह पे, उसमें जेन्युइन वीकनेसेस हैं, और टैक्स एवेड करना इस वक्त बहुत आसान है, टैक्स अवॉइडेंस बहुत आसान है जिस तरीके से आपके पैकेज में दिखाया गया। तो एक सतह पे तो बिल्कुल लेजिस्लेशन की स्ट्रेंथनिंग जो है वो ज़रूरी है, लेकिन लेजिस्लेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि उस सिविल सर्विस का काम है जो टैक्स अथॉरिटीज़ में काम करती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर आप उस सिविल सर्विस स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, उसके
अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो ऑफिसर ऑडिट नोटिसेस इशू कर रहा होता है वही ऑफिसर जो है वो अपील्स भी हैंडल कर रहा होता है या उन्हीं के दफातर अपील्स हैंडल कर रहे होते हैं। जो टैक्स मुहतसिब का ऑफिस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ये तो आपकी टैक्स अथॉरिटीज को चैलेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने प्रोसीजर जो एनोमलीज हैं जो मसाइल हैं वो बताए, लेकिन बात यह है कि ऐसा टैक्स का निज़ाम जिसमें लोगों को भी एक ट्रस्ट हो, बिकॉज देखें लोगों की तरफ से भी वो रिस्पांस नहीं आता। बहुत दफ़ा एमनेस्टी स्कीम्स आईं, बहुत दफ़ा लोगों को रिलीफ दिया गया लेकिन वो रिस्पांस नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या बुनियादी ख़राबी क्या है इस टैक्स निज़ाम में जिसमें लोग आगे नहीं आना चाहते हैं? देखें ना जी, आप ह्यूमन इंटरफेस आज ख़त्म कर दें, आप जो रोल है एक टैक्स इंस्पेक्टर का उसकी जो इंटरेक्शन है टैक्स पेयर के साथ वो आज आप ख़त्म कर दें। तुर्की और मलेशिया जैसे मुमालिक ने कम्प्लीटली ऑटोमेट कर दिया है अपने टैक्स का निज़ाम, किसी किस्म का कोई ह्यूमन इंटरफेस उसके अंदर नहीं है। और वहाँ पर आप देखें कि करप्शन जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आई है और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टैक्स पेयर और रिसीवर के बीच में आया है। तो आप कह रहे हैं ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म कर दें तो ये टैक्स निजाम बेहतर हो सकता है ऑटोमेशन के थ्रू? जी ठीक, ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर महविश मुर्सलीन हैं, साइकोलॉजिस्ट। आप डॉक्टर साहब, क्या वजह है लोग क्यों नहीं टैक्स देना चाहते? क्या ये नफसियाती मसला है या लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को? क्या वजह है इसकी पाकिस्तान में? बेसिकली अगर देखा जाए तो टैक्स पेमेंट जो है हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं इसको, कि जो पर्सन अपने आप से कमिटमेंट करता है, जो कोई वो मिस्टेक करता है तो उसको करेक्ट करना, अगर नहीं भी दिया तो एक स्टार्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये तो एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि क्योंकि तो दोनों तरफ से है ना, एक तो सिस्टम की हम बात करते हैं, दूसरा जो टैक्स पेयर है अगर वो भी नहीं पे कर रहे तो इट मीन्स कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लैकिंग है। तो अगर पर्सन को हम देखें तो ये उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक डेवलप होती है शुरू से। वजह क्या, देखें अगर आप देखते हैं ना कुछ लोग बगावत पे उतर आते हैं, तो क्या ये आवाम बगावत पे उतरी हुई है, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो क्या ये वाली सूरत हाल है? देखिए अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है, जैसे अगर करप्शन की भी हम बात करें तो अगर क्राइम्स की बात करें तो ये क्या है, ये सारा ट्रेंड क्या है, एक एंटाइश सोशल की तरफ जा रहा है।, सही है। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली घर से होती है, अगर पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फिर टीचर्स जो लर्निंग्स हुई हैं जो बच्चे की। आप ये कहना चाहेंगे पेरेंट्स टैक्स देंगे, टीचर्स टैक्स देंगे तो बच्चे भी टैक्स देंगे? कहा जा सकता है कि अगर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे में एक इवेड करेंगे तो इट मीन्स कि आगे रिफ्लेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे भी आगे जाके वो अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसको देखेंगे भी। क्योंकि अगर पेरेंट्स भी नहीं कर रहे, अगर हम इसको लिंक करें तो पेरेंट्स अगर नहीं दे रहे, बच्चा भी वही ऑब्जर्व कर रहा है तो वही करेगा अल्टीमेटली, फिर एक वो प्रोसेस चलता है। तो अगर हम नेशन की बात करें ओवरऑल, तो जो ये हमारा मुआशरा है इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी, ये सब लोग चले डिटेल में बात करते हैं। वकास साहब, आपसे आखिरी मैं सवाल करूँ, फिर आपको मेरे ख्याल में जाना है तो हम आपसे फिर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आपके ख्याल में अगर ये ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए तो ये कानून है, ये पाकिस्तान का टैक्स कानून, ये कैटर कर सकता है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को आगे ले जाने में? देखें जी, इस वक्त सीधा सीधा जो आपकी अपनी FBR की असेसमेंट है, 500 बिलियन रुपये के करीब जो है इस वक्त वो खुद उनका अपना जो एस्टिमेट है वो टैक्स गैप है, यानी वो लोग जिनकी निशानदेही उन्होंने की हुई है कि वो टैक्स नहीं देते। फिर उसके अलावा जो नए आने वाले रिफॉर्म्स हैं जिनको बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उनके थ्रू भी कुछ 600 अरब रुपए जो हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा अगर पॉलिटिकल विल हो इम्प्लीमेंट करने के लिए 1100 अरब रुपए आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसकी कलेक्शन जी सियासी तरजीहात नहीं है, मतलब जी इसमें यह है कि आपको बिला तफरीक टैक्स इम्पोज करना होगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप एग्रीकल्चर के बहुत बड़े बड़े जो फ्यूडल्स हैं आप उनको एग्जेम्प्ट कर दें या आप सर्विसेज सेक्टर की मद में एग्जेम्पशंस दे दें। आपको बिला तफरीक तमाम इनकम्स को बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड लेवल टैक्स करना होगा, जिस तरह तमाम ममालिक में होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त दिया, इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में आपको जहमत देंगे। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रही थी, तो क्या ये जो आपने अगर देखा होगा तो एक माशी बदहाली की वजह से भी लोग टैक्स नहीं दे रहे, क्या उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, आपका क्या ख्याल है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या बढ़ी हुई है लोगों की?
अगर इन्फ्लेशन को देखें तो जो बढ़ रहा है, तो पॉसिबली ये एक फैक्टर हो सकता है कि लोग जो हैं वो अपनी, क्योंकि अब अखराजात बढ़ रहे हैं, तो अखराजात बढ़ रहे हैं तो उनको अपनी मेंटेन भी तो करनी है, तो जहाँ कहीं से वो छोड़ सकते हैं वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात के, ठीक है जहाँ वो बढ़ा, अब फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके और एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ उनको लगता है कि ठीक है ये चीज़ छोड़ी जा सकती है, वो एक ओवरऑल सिटीजन का तो वो कॉन्सेप्ट है नहीं ना कि वो। लेकिन जब कराची दे लें, बड़े शहरों में रोड पे गाड़ी देखते हैं तो गाड़ियाँ बढ़ी जा रही हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए होते हैं, शादी की तकरीबात महंगी से महंगी होती जा रही, तो लोगों को वहाँ अखराजात करने में तो उनको अपने मतलब माशी बदहाली नहीं नजर आती, लेकिन टैक्स देने में वो कहते हैं कि जी एग्जैक्टली। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट से तो इंडिकेशन मिल रही है ना कहीं पर्सनल लैकिंग ज़रूर है कि जो हमारी टीचिंग्स चल रही हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो माशरे में जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं वही फिर देख के दूसरे भी कर रहे हैं, तो अगर ये एक नॉर्म है कि ठीक है टैक्स पे, और फिर इस पर कोई वो चेक सिस्टम भी तो नहीं है ना, अगर नहीं किया तो ठीक है आपको कोई एज सच उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं फेस करने पड़ रहे, जैसे वन टू वन इंटरेक्शन में कोई अगर नहीं, वो तो देखें वो तो एक आप बात कर रही हैं कि कोई पुलिसिंग हो वो तो अपनी जगह बात है, लेकिन बात ये टैक्स वाले उन पर हो रहे, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है, मतलब आप राइट्स की बात, जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी अदा करने को क्यों नहीं तैयार है हम? क्या आपने जो आपके पास लोग आते होंगे तो आप क्या समझती हैं उनकी, क्या उनको क्या मसला क्या है कि क्यों नहीं जिम्मेदारी देना अपनी अदा करना चाहते हैं? बेसिकली जैसे जो टीचिंग्स की बात हमने की तो ये शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है, अगर बच्चा देख रहा है कि वो पेरेंट्स भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छोड़ देते हैं, ठीक है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें वो लीनियंसी को लेट गो कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, तो अगर कोई मसला नहीं है वो चीज़ छोड़ी जा सकती है, तो ऑटोमेटिकली ये एक वाइशियस सर्कल है जो फिर हर कोई करेगा। अच्छा। तो बेसिकली अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है अपने घर से, पेरेंट्स जो टीचिंग देते हैं, पेरेंट्स अगर वही बिहेवियर खुद बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा जो कहा जा रहा है उसको ज़्यादा नहीं सुनेगा जितना वो बिहेवियर देख रहा है, अगर वो देख रहा है कि पेरेंट्स कहते तो हैं, ये तो कोई भी नहीं कहता मुँह से कि जो है वो टैक्स पे करना अच्छी बात है, टैक्स पे करना बुरी ही बात, टैक्स ना पे करना बुरी बात है, ये तो हर एक समझा जाता है, बताया जाता है, बच्चा खुद भी समझता है इस चीज़ को, लेकिन जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो फॉलो हो रही हैं ना, सही है। समझता है तो हर कोई है, मुझे भी पता है। आपने कभी ये स्टडी कोई कंपेयर की है जब कोई डेवलप कंट्रीज के सिटीजन, जहाँ पे जैसे यूरोप है, डेवलप कंट्रीज हैं या कोई कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, वहाँ के शहरी और जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान जैसे है, तो यहाँ के शहरियों की नफ्सियात में क्या फ़र्क, कभी इस तरह की कोई रिसर्च आपके सामने से गुजरी है? देखिए प्रैक्टिसेस तो बहुत डिफरेंट हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, वहाँ की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, और उसको जो फॉलो किया जाता है तो वो फिर सब कर। तो आप कह रही हैं कि रेगुलेशंस से जो है वो लोगों की हैबिट्स बन जाती हैं? Exactly. अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि निज़ाम को मजबूत करें तो फिर उसके बाद जो है वो हैबिट बन जाती है। जैसे अगर हम प्रैक्टिसेस जो करते हैं उसमें हमारे पास तो इंडिविजुअल आता है ना, ठीक है। फिर जब इंडिविजुअल आता है तो अगर हम उसमें ऐसी चीज़ें एंटी सोशल ट्रेंड्स या इस तरह की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं तो फिर हम उस पर वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल तो सोसाइटी नहीं बना रहा ना, इंडिविजुअल फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टैक्स पेमेंट है या जहाँ इनकी बात आती है तो वो फिर ओवरऑल नॉर्म्स देखे जाते हैं, जब नॉर्म्स हैं तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पेरेंट्स, ये बहुत बेसिक लेवल की बात है, टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो मीडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है, या जो कह लें कि जो ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रोल प्ले करेंगे क्योंकि जो एक सिस्टम है वो तो टैक्स का है ना, टैक्स का सिस्टम है तो उसका चेक एंड बैलेंस भी होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो आप ये कहीं रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करें तो खुद लोगों की हैबिट बन जाएगी, और टीचिंग भी करें, उनको प्रीचिंग भी करें, टीचिंग भी करें, और ये प्रैक्टिसेस जब आम होंगी, यानी हर कोई इसको फॉलो करे, ये मैंडेटरी बनाया जाए कि हर कोई अगर फॉलो करेगा तो फिर किसी पर्सन के पास चारा नहीं है ना कि अब तो वही करना है, तो जो प्रैक्टिसेस आम हो जाएंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब करने ही हैं, तो फिर उसको कोई छोड़ेगा नहीं, और अगर छोड़ेगा तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हों, जैसे हम कोई काम करते हैं ना तो वो बचते कब हैं, जब कोई उसके लिए हमें पता है पनिशमेंट होने वाली है। हम एक ब्रेक लेने वापस आके बात करेंगे कि आप टैक्स देती हैं या नहीं। नाज़रीन वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे मेहमान से कि लोगों का असल मसला क्या है, क्यों नहीं लोग टैक्स दे। पाकिस्तान में इस वक्त अगर जो सेंसस हुए उसके मुताबिक 20 करोड़ की आबादी है, और उस आबादी में हमारे पास 1% लोग टैक्स देते हैं, तो ये बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये रीज़नेबल एक्सटेंट तक बढ़ना चाहिए। तो क्या वजह है, क्यों लोग ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्यों एक डिसओन है,
क्यों लोग स्टेट को सपोर्ट नहीं करने को तैयार है, जबकि दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं आपको नज़र आती हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स देख लें भरे हुए हैं, रोड देख लें गाड़ियों से भरी हुई हैं, शादियां देख लें वहां पे बहुत ही अखराजात से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग टैक्स नहीं दे रहे। वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते जबकि लोगों के पास वसाइल भी हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, क्या वजह है इसकी। हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं बात ही करना चाहूँगा, हमारा मौजू है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम और सियासी तरजीहात। जी जी, तो आपके ख्याल में ये क्या सियासी जो तरजीहात हैं इसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो कमज़ोरी की तरफ है, इसका इसमें वो रिस्पांस नहीं आ रहा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही जो होनी चाहिए, और आपके ख्याल में क्या क्या तदारुक करना चाहिए इसका। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये इब्तदा से करूँगा कि 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, क्योंकि आप टैक्स निज़ाम की बात करें जो कि सारा बैंकिंग सिस्टम से मुतालिक एक माशी निज़ाम से मुतालिक जिसका कलीदी और बुनियादी किरदार होता है। जी बिल्कुल, कायद ने फरमाया था 1948 में स्टेट बैंक को कि आई शुड वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन डिवाइजिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल्स इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका बड़ा मैं तवज्जो से देखूंगा, ये मफहूम इसका यही है कि आप ऐसे बैंकिंग के उसूल जो है वो वजह करें जो कि इस्लाम के माशी जो उसूलों पर है उसके मुताबिक हों। तो हमने सर बैंकिंग 65 साल में यही किया है कि हमने गरीब को जितना हम उस पर वोट डाल सकते थे हमने किया। अली साहब, बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग जो आपका टैक्सेशन का निजाम है, टैक्सेशन का निजाम होना ऐसा चाहिए था कि आप उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आते और उसका पीपल फ्रेंडली बनाए, बजाय इसके कि टैक्स देना एक आदमी को सजा लगे, वो उसके लगे कि वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखें, अक्सर हमारी जमात के चेयरमैन जो है जनाब इमरान खान साहब एक बात करते भी हैं जो बड़ी मुनासिब है कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देने वाली कौम है, सबसे ज्यादा खराब देने ज़कात देने वाली कौम है, लेकिन सबसे कम टैक्स देते हैं। कभी आपने सोचा सबसे कम टैक्स क्यों देते हैं? उसकी वजह यह है कि हमें अपनी कुंतों पर एतमाद ही नहीं है। नहीं, वो आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, टैक्स का निज़ाम अगर आप देखें, बैंकिंग का निज़ाम तो वजह हो गया, बैंक अकाउंट लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोडक्ट्स हैं बैंकिंग की, वो आ गई हैं मार्केट में, सब यूज़ कर रहे हैं। बात यह हो रही है कि ये जो लोग हैं इनकी ओनरशिप नहीं है स्टेट के साथ, ये कैसे बनेगी, ये कैसे बढ़ेगी टैक्स देने के लिए? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। पहली बात जो मैंने की, आपने बीच में टोका भी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर मैं आपके पास पैसे कब रखूंगा, मैं आपके पास पैसे तब रखूंगा मानतन जब मुझे आप पे एतमाद होगा। अगर मुझे ये लगे कि खुदा ना करे आप जो है वो चोर के ऊपर जो होता है जिसको काला चोर कहते हैं, खुदा ना खास्ता हुए हैं, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं आपके पास पैसे रखूँ, तो पाकिस्तानी हुकूमत को टैक्स देने में कतराते इसकी है। ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता सारे पाकिस्तानी जो है खुदा ना खास्ता हम चोर हैं। हम हुकूमत को हमारे लोग टैक्स इसलिए ज्यादा नहीं देते और उससे बचने की कोशिश करते हैं कि एक तो हुकूमत के लेवल पे करप्शन इतनी है, उनको पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया टैक्स दूंगा कौम पे उसका 10,000 भी नहीं लगेगा, पता नहीं किस किस की जेब में जाएगा। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, जो है लूप होल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है आप टैक्स का जो है आपका वेलफेयर स्टेट नहीं है। कल मैंने एक पिक्चर आज सुबह ट्वीट की है, शायद कल या आज सुबह, जिसमें एक बच्चा चौक पर बैठा है जो रात के 11 बजे चौक पर बैठा है, मुझे किसी ने पिक्चर मैंने देखी, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, जिसपे आप इसको सुने, इसमें आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बच्चा चौक पर बैठा है, रात के 11 बजे हैं और लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, ये बेचारा दोनों रोडों के बीच में सेंट्रल मीडिया है जो इशारे पे जो लोग जो खड़े होते हैं उनके शीशे साफ करते करते थक गया है, अपना सर वो बीच के सेंट्रल मीडिया पर रख के सो रहा है, हाथ में उसके गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा है।
अगर आपने मुल्क सर ये तो काम दिया है, ये तो इस कॉम में ये देखूं कि मेरा मुल्क ये कर रहा है मेरे बच्चों के साथ, सर ये तो इस कौम की बेहसी है ना सर, ये तो आप देखें बेहसी बढ़ती जा रही है और लोग अपनी जिम्मेदारी से बरिजुमा होते जा रहे हैं और कोई जिम्मेदारी को अपनी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा, कोई उस पर लेना नहीं चाह रहा जिम्मेदारी अपनी। देखिए आप बात सुने, सियासत में सियासत कौन है, मैं खुद एक वकील हूँ, आपने अगर किसी मुल्क का आईना देखना है, अवाम का जाके अदालत में देखें, आपको अवाम का आईना मिल जाएगा। हुक्मरान कौन है, अवाम का कह रहे हैं, ये जो मैंने बच्चे की आपको बात की है, क्या उस बच्चे के सामने से सियासतदान गुजरे हैं, मुल्क के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं गुजरे होंगे, बड़े बड़े नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं सर, अली साहब हम सब जिम्मेदार हैं इस बात के। होता है एक आदमी करप्ट है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम ही गुनहगार हैं, हम इन करप्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, टैक्स का निजाम आपका तब ठीक होगा जब आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जब ठीक है सर करप्शन पे कंट्रोल होगा जी, जब आपकी सजा जजा का निजाम होगा, और आखिरी बात जब सूद के निजाम से निकलेंगे, अल्लाह के बंदो हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल से जंग जारी है इस मुल्क में, सूद के निजाम से निकलो। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया अली साहब, बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट वेरी वेल टेकन, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमें सलमान शाह साहब ने ज्वाइन किया है जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम और सियासी तरजीहात उनका क्या ख्याल है उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। हम एक मौजू आके लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को बेहतर कैसे किया जाए, और इस टैक्स निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ हैं इसकी क्या वजह है, सियासी तरजीहात नहीं है या कोई और वजह है इसकी। देखें एक तो बात है कि ये जो निज़ाम जिस तरीके से है वो बाय डिज़ाइन इस तरह किया गया है, और इसका एक ही नतीजा निकलता है ऐसे डिज़ाइन का कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एवेजन भी होती है, और टैक्स कलेक्ट भी नहीं हो सकता जी। सो अगर ईमानदारी से डिज़ाइन किया जाए तो वो एक तो है कि वो खासा सिंप्लीफाइड निज़ाम होगा, दूसरा ये है कि टैक्स रेट्स जो हैं वो खासे कम होंगे और किसी को कोई छूट नहीं होगी, और तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टैक्स की वो साफ शफाफ होगी और उनको इंसेंटिव्स होंगे कि वो दुरुस्त असेसमेंट्स भी करें और दुरुस्त टैक्स कलेक्ट करें। सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और सिंप्लीफिकेशन और टैक्स रिडक्शन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कलेक्ट करने में नाकाम होगी। लेकिन आपके ख्याल में सलमान साहब क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? देखिए इंडिपेंडेंट डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि उनमें काबिलियत भी होनी चाहिए, उनमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उनमें उनकी जो विजन है वो ये नहीं होनी चाहिए कि कौम से टैक्स कलेक्ट करना है विदाउट थिंकिंग कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी या नहीं होगी। सो टैक्स पॉलिसी को बहुत केयरफुली देख के, और फिर उसमें जो इस वक्त कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की गई है ताकि टैक्स पेयर को मुश्किल में डाला जाए और फिर उसको किया जाए, उससे पैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएं, तो वो निज़ाम जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा, एक जो सिंपल निज़ाम लाना पड़ेगा और जिसमें आसानी से टैक्स पेयर टैक्स दे सके, और किसी को भी आप कोई ऐसी छूट नहीं दे सकते जो अपनी ताकत के बल पे ले जाए या करप्शन के बल पे ले जाए। सो सारों को बराबरी पे आपको करना पड़ेगा। आपको पॉइंट आ गया सर कि अक्रॉस द बोर्ड सबको जो है टैक्स के नेट में लाना चाहिए और उस पे नहीं नहीं सबको टैक्स में नेट में लाना चाहिए, लेकिन टैक्स के निजाम को सिंप्लीफाई करना चाहिए, टैक्स रेट्स को कम करना चाहिए, ठीक है, और उस फिर आपका ये सब हर बंदा उस निजाम में आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर महवेश मुर्सलीन बैठी हैं, उनसे बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि वो टैक्स देती हैं नहीं देती हैं। फिर वही बात आई, ये तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ना, मेरे एक देने से वो पूरा निज़ाम सही नहीं हो सकता। ये तो हर आदमी यही सोचता है कि मेरे एक देने से टैक्स का निज़ाम सही नहीं होगा। तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो दे रही हूं, मेरी तो सैलरी से कट रहा है, तो वो एक चीज़ के जो आपके ऊपर मैंडेटरी है वो तो फिर आप कह लें कि वो आपने तो नहीं किया ना,
तो जो चीज मैंडेटरी हो गई वो सिस्टम ने की, वो सिस्टम ने की क्योंकि वो लायबल है। बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो हमने सोसाइटी की बात की थी ब्रेक से पहले कि सोसाइटी अगर आप हैसल कॉम हम देखें तो हम अखराजात कर रहे हैं, लेकिन वो जो अखराजात की मैंने वजह बताई कि इस तरह की लाइफस्टाइल्स हैं, लोगों के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो उसका इम्पैक्ट है वो हुकूमत के पास नहीं आ रहा। तो आप क्या समझती हैं, ये वही वजह है, बुनियादी वजह है कि लोगों का डिस्कनेक्ट है? पॉसिबली इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि एक ट्रस्ट लैकिंग है। देखिए जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम टिप देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई हमसे टैक्स मांग रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न यही हो सकता है कि जो एक लैकिंग है कि जो हमने दिया है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे आ रहा है, क्या हमें वो रिवॉर्ड की सूरत में मिल भी रहा है या नहीं। तो अगर वो आ रहा है, फॉर इंस्टेंस वो चीज़ों पर काम हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो फिर दिखाए जाएँ कि देखिए जो आपने किया है उसके थ्रू ये चीज हो रही है, ये चीज भी तो लैकिंग है कि हमें दिखते ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, प्रेजेंट किया जा रहा है। एग्जैक्टली जब लोगों को ये एग्जाम्पलीफाई करके दिखाया जाएगा कि देखें ये चीज़, ये आपके टैक्स, आपने जो पेमेंट किए, ये तो किसी को पता ही नहीं होता है कि हमने जो पेमेंट किए है या हमने जो टैक्स भरा है उससे हमें मिल क्या रहा है, अच्छा, हमारी सोसाइटी को फायदा क्या हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट आपका सब्जेक्ट है, तो क्या आप क्या समझती हैं, लोगों को किसी तरफ रागिब करने के लिए सख्ती से रागिब करना चाहिए या मोटिवेशन से रागिब करना चाहिए या इंसेंटिव से रागिब करना चाहिए? जो बेसिक मोटिव्स होते हैं ह्यूमन के वो इंसेंटिव्स पे चलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो बेस्ट वे ये होता है कि हम उसको मोटिवेट करें, यानी रिवॉर्ड करें। ठीक है, रिवॉर्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट हम कर तो देते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम भी फिर पनिशमेंट ही करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक नहीं। तो आप ये समझते हैं कि टैक्स निज़ाम में भी इंसेंटिव और मोटिवेशन आनी चाहिए। तो इंसेंटिव ये कि उनको कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी दें और उसके बाद उनको मोटिवेशन हो, तो लेकिन पनिशमेंट ना करें। पनिशमेंट का एक रूल हो, वो स्ट्रिक्ट हो तो वो फिर फॉलो भी हो। ठीक है, रेगुलेशन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इनका टैक्स निज़ाम कमज़ोर है, इसकी वजह से अमीर और गरीब का तब जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जब टैक्स निज़ाम सही होगा तो ये फ़र्क खुद ब खुद कम होगा और लोगों को वो वसाइल मिलेंगे जो कि उनको उनके मसाइल को हल करने के लिए काम आएंगे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है, अल्लाह हाफ़िज़।